सवाल उठता है सर, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था या कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो कार्रवाई जो आपके द्वारा की गई उसको तोड़वाने के लिए जेसीबी जो लगाया गया, तो वो दिन में लगाया जा सकता था, रात के अंधेरे में आखिर क्यों? सूचना मिली कि उस पर मूर्ति रखने की बात चल रही है, तो जो उस समय रह के काम करा रहे थे दरौली के मुखिया जी, उनको मैंने एक नोटिस दिया 12 तारीख को कि ये अवैध निर्माण है, बिना अनापत्ति के बनाया जा रहा है, और आपके द्वारा ये सूचना मिले कि मूर्ति भी रखने की संभावना है, तो इससे माहौल गड़बड़ा जा सकता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है, इसलिए ऐसा काम नहीं किया जाए। इसके लिए हम लोग ने उनको ये नोटिस दिया था। क्या कहता था, अगर कुछ भी बनता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं, और किसी का भी, किसी भी महानुभाव का, किसी भी महापुरुष का मूर्ति लगे, हमको कोई आपत्ति, बस हम यहाँ सरकार के कर्मी हैं तो हम चाहते हैं बस प्रक्रिया पूरा हो, और बाकी हमको किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग माले के राजनीति करने वाले लोग हैं, और सवर्णों के हमेशा ये लोग खिलाफ रहे हैं कि सवर्ण जो है वो उनके दुश्मन है, ये लोग मानते रहते हैं कि सवर्ण हमारा दुश्मन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सवर्ण हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, हम ईराना रुआ देख रहा बनी मैच बॉक्स, और अभी हम बानी दरौली प्रखंड परिसर में, दरौली प्रखंड परिसर में आई बनी रुआ जानते कि यहाँ पर एगो विवाद गरमाइल बटे, और वो विवाद जन बा विवाद बटे एगो चबूतरा के तोड़लाक से संबंधित। ऐसन यहाँ के स्थानीय मुखिया लाल बाबू जी के द्वारा आरोप लगावल जा रहा बा कि देख ली ये चबूतरा आरोपी बावे कि चबूतरा के निर्माण होते हुए और पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा के अनावरण होके वाला रहुए काल जौना के वीडियो के द्वारा स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा तोड़वा दल गया, ऐसा आरोप बटे, एक खबर हुआ मैच बॉक्स पर भी देख लो। अब हमने के ग्राउंड पर पहुँचल बन जा कि आखिर ग्राउंड के रियलिटी का बा, का सच्चाई बटे कर कि निर्माण जन हो रहा बा, कौची हो रहा बा, ऐसा ही कहल जा रहा बा कि विधायक जी के द्वारा एक निर्माण करावल जा रहा बा, तो का सच्चाई बा? हालांकि अगर हम यहाँ पर कोनो बोर्ड या कुछ खोजे के कोशिश करते नहीं, अगर अगर शिलान्यास भई रही तो शिलान्यास के यहाँ पर कोनो बोर्ड रही तो ऐसा कुछ हमारा लौकत नहीं खे, दिखत नहीं खे, अगर दिखित तो ऊपर हम देखती कि या कि का बा का नहीं खे, फिलहाल ये जौन बा का मामला बा, चलिए वीडियो साहब से जाने के कोशिश कर जाओ। प्रखंड विकास पदाधिकारी दरौली श्री अभिषेक चंदन जी हमारा साथे बनी। सर, एक विवाद, और उस विवाद पे आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए जो चबूतरा बन रहा था उसको आपने रात के अंधेरे में जेसीबी से तोड़वा दिया, आखिर ये मामला क्या है सर, क्यों तोड़वाया गया? ऐसी कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये प्रखंड कार्यालय है और प्रखंड विकास पदाधिकारी होने के नाते ये मेरी जिम्मेवारी है कि प्रखंड में कुछ भी हो उसके संज्ञान हमको लेना है। ये जो चबूतरा बन रहा था तो इसमें कहीं से ये चर्चा नहीं थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाने की चबूतरा बन रही है, और इसका कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था, और ये चबूतरा निर्माण अवैध था पहले, तो लगभग 6 से 7 महीने पहले मैंने इसको रुकवा दिया था कि अगर हम सरकार के कर्मी हैं और तटस्थ रह के काम करते हैं, अगर सरकार के नियम कानून पालन कराने के लिए हम लोग यहाँ हैं, तो अगर ये अवैध निर्माण है, अगर कुछ करना भी है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र इसका होना चाहिए, तब आगे काम होगा। तो 6-7 महीना पहले इसको हमने बंद करा दिया था। बीच में कुछ सूचना मिली कि उस अधूरे चबूतरा पर, अभी तो उसका निर्माण भी पूरा नहीं हो पाया था, कि सूचना मिली कि उस पर मूर्ति रखने की बात चल रही है, तो जो उस समय रह के काम करा रहे थे दरौली के मुखिया जी, उनको मैंने एक नोटिस दिया 12 तारीख को कि ये अवैध निर्माण है, बिना अनापत्ति के बनाया जा रहा है, और आपके द्वारा ये सूचना मिले कि मूर्ति भी रखने की संभावना है, तो इससे माहौल गड़बड़ा जा सकता है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, विधि व्यवस्था की समस्या हो सकती है, इसलिए ऐसा काम नहीं किया जाए। इसके लिए हम लोग ने उनको ये नोटिस दिया था, फिर भी नहीं माने ये लोग, तो चबूतरा तोड़ने वाली कोई बात नहीं, ये अवैध था, अवैध है तो कभी भी टूट सकता है, आज टूटेगा 10 दिन बाद टूटे, जो भी है वो टूटना ही है, अवैध है तो टूटेगा ही। तो हमने बस इतना ही कहा है कि भीमराव अम्बेडकर साहब किसी वर्ग समुदाय के तो हैं नहीं, सबके हैं, और संविधान निर्माता है और कानूनविद भी रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर उनकी मूर्ति बैठाने भी है तो जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, जो नियम है, उसका पालन करते हुए बैठाया जाए, उसको हमको कोई आपत्ति नहीं। बस हमको इससे आपत्ति है कि अगर सरकारी कर्मी के रूप में हम यहाँ कार्यरत है तो सरकार का जो नियम कानून उसका पालन करवाएं, अगर मूर्ति बैठनी भी है तो बस प्रक्रिया के दिन बैठे, और हमको कोई इससे आपत्ति नहीं था। उसमें लाल बाबू जी बार बार दावा कर रहे हैं कि विधायक मद से इसका निर्माण हो रहा था, तो किस मद से हो रहा है?
इसकी जानकारी हमें नहीं है और प्रखंड कार्यालय को इससे संबंधित कोई सूचना और पत्र प्राप्त नहीं है कि विधायक मद से हुआ था। अगर विधायक जी के मद से भी हो रहा होगा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत, तो एक अनापत्ति लेना आवश्यक रहता है प्रखंड कार्यालय से, या ग्रामीण विकास विभाग का जमीन है तो उनसे लेना आवश्यक है। तो इस तरह का कोई हम लोगों के पास पत्र भी नहीं आया कभी, ना हमने कोई अनापत्ति यहाँ दिया है निर्माण करने के लिए जी। लेकिन एक सवाल उठता है सर, जब ये अवैध निर्माण हो रहा था या कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो कार्रवाई जो आपके द्वारा की गई उसको तोड़वाने के लिए जेसीबी जो लगाया गया, तो वो दिन में लगाया जा सकता था, रात के अंधेरे में आखिर क्यों? जेसीबी लगाने की बात नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं कि वीडियो साहब तुरवा रहे हैं, वैसा कोई नहीं था उनके द्वारा, तो ये सब गलत आरोप लगाया गया। और अवैध निर्माण दिन रात नहीं देखा जाता है, जब भी अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण है। अब जब भी जो सुविधा हो उसके अनुसार काम होगा। मेरे घर में अगर हम काम करा रहे हैं कुछ भी, तो जब भी सुविधा होगी उसके अनुसार काम कराएंगे। हम किसी से पूछने जाएंगे थोड़े कि मतलब दिन में कराएं कि रात में कराएं, जब सुविधा भी कराएंगे। और वैसे करवाना कि वीडियो साहब तुरवा दे, ये सब गलत बात है उन लोग का, ये तो बना ही नहीं था कभी कम्प्लीट। अच्छा, ये लोग माले के राजनीति करने वाले लोग हैं और सवर्णों के हमेशा ये लोग खिलाफ रहे हैं कि सवर्ण जो है वो उनके दुश्मन है, ये लोग मानते रहते हैं कि सवर्ण हमारा दुश्मन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सवर्ण हैं इसलिए आपको टारगेट किया जा रहा है? देखिए, यहाँ हम ना सवर्ण हैं, ना अग्रे हैं, ना पिछड़े, हम एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है और किसी भी पार्टी और विचारधारा से ना लगाव है ना मेरा दुराव है। हम सरकारी कर्मी तटस्थ होकर ही काम करते हैं, तो ऐसी कोई दुर्भावना हमको लगता है कि नहीं होगी और रखना भी नहीं चाहिए, और ना हम भी ऐसा कोई दुर्भावना रखते हैं किसी के प्रति। हम बस यहाँ है, प्रखंड विकास पदाधिकारी है, यही मेरा जात धर्म संप्रदाय जो भी है यही। सोशल मीडिया पर सर बार बार कहा जा रहा है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं इसलिए आप विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का। ऐसा नहीं, बाबा साहब के मूर्ति का और बाबा साहब के जो पदचिन्ह है उनका मैं कभी विरोध नहीं करता हूँ, ना कभी करूँगा। और ये गलत बात है, हम लोग यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्यरत है और इससे ज़्यादा हम लोग का कोई परिचय नहीं यहाँ पे। तो कुल मिला जुला कहें तो यहाँ पे एक जो रवायत रही है पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि माले जो है वो कब्जा करने के लिए जाना जाता है, किसी के निजी संपत्ति को भी हमेशा कब्जा करने के लिए लोग चिन्हित रहते हैं और जाने जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये प्रखंड परिसर की जो भूमि है उसको अधिग्रहित किया जा रहा था एकदम से जबरदस्ती? नहीं, ऐसी बात नहीं है और इसमें हमको इस पर कोई ज़्यादा विशेष टिप्पणी नहीं करना। हमको बस यही था कि जो सरकारी नियम कानून है उसका पालन हो के और बाकी प्रक्रिया आगे हो, और बाकी इनके बारे में हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे नहीं, क्योंकि हम बस इतना जानते हैं कि अगर सरकार के भूमि है और ब्लॉक में काम हो रहा है तो थोड़ा उसका प्रक्रिया का पालन किया जाए, इस बस इसी चीज़ को। मतलब प्रक्रिया के तहत अगर वो लोग बनाते हैं तो फिर प्रक्रिया के तहत अगर कुछ भी बनता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं, और किसी का भी, किसी भी महानुभाव का, किसी भी महापुरुष का मूर्ति लगे हमको कोई आपत्ति, बस हम यहाँ सरकार के कर्मी हैं तो हम चाहते हैं बस प्रक्रिया पूरा हो और बाकी हमको किसी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, ये वीडियो साहब के पक्ष रहा, चूँकि उन्हें ऐसे आरोप जो लगा रहा, यहाँ पर कई गो तरह के गंभीर आरोप लगावल जा रहा बा कि वीडियो के द्वारा जबरदस्ती रात के अंधेरा में जेसीबी लगा के तोड़ल गई और बाबा साहब के प्रतिमा लगातार तो के लगावे नहीं देहल जात। सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के टिप्पणी कल जा रहा बा कि कहीं आरएसएस के एजेंट तो ना हुए वीडियो साहब, या ऐसा कई गो बात आवता। तो ये स्पष्ट जो बा वीडियो साहब के पक्ष जानल जरूरी रहा, काहे कि एक पक्ष के अगर खबर हमने के चले बन जाए तो दूसरा पक्ष के भी पक्ष लेहल जरूर ला, तो वीडियो साहब अपन पक्ष रख ले बनी। मामला यह बटे, अब एकरा आगे और का सच्चाई बा ओमें भी हमने के घुसे के कोशिश करम जा और संभवतः हमने कोशिश रही कि विधायक जी से भी बातचीत करी जा। फिलहाल देखत रही मैच बॉक्स।